हाय, मेरी जस्सी की पहली पार्टी। चिंता ना कर सूरी, सब ठीक हो जाएगा। ले, मुझसे कह रही चिंता ना कर, अपनी शक्ल तो दे। हाय, हम दोनों भी कैसे चोरी छुपे जाया करते थे ना, याद है तुझे? सारे कर्म बचपन के सामने आ जाते हैं जब हमारे खुद के बच्चे होते हैं। वो भी वैसा ही करेंगे जो हमने अपने बचपन में किया है। इतना ना सोच तू भी, वो दोनों खूब एंजॉय करेंगे। और क्या, तू ऐवे ही डरती है। तो चल हम भी एंजॉय करते हैं। यारा सालों बाद मिले, जाने कब के कितने कितने राज खुले। बीता कल फिर आज पे बीतेगा, जाने क्या क्या बातें पूछेगा। अच्छा सुन ना, उस दिन ना वो कुलविंदर भाई साहब स्कॉलरशिप के बारे में कुछ पूछ रहे थे ना, उसका क्या हुआ? ओ यारा, याद ही मत दिला। क्यों? वो ना मेरे मुंह से निकल गया कि ये स्कूल स्कॉलरशिप देता है। मतलब तुमने झूठ बोला? क्या करूं, और अब सच बोलने से डर रही हूँ। अगर सच बोल दिया ना तो बच्चों को ना उसी पुराने स्कूल जाना पड़ जाएगा, और मेरी जस्सी ने तो अभी अभी एडजस्ट करना शुरू ही किया है, नवी दोस्त बना रही है। आज तो बच्चे अपनी पहली पार्टी में भी गई है। नहीं जस्सी, रेडी है अपने फर्स्ट पार्टी के लिए? अब मैं रेडी होंगी। लेकिन तुम तो चल अब चलते। और रिया, तुमने कहा था ना ये ऑल गर्ल्स पार्टी है। बड़ी पार्टी है यार, सो एक्साइटिंग ना। तुमने कहा था चार पांच दोस्त है, यहाँ पे तो बॉयज भी है। यार तुझे कुछ पता ही नहीं है, ये यार लड़के तो होंगे ही ना। और रही बात दोस्तों की, वो तो सिर्फ चार पांच ही है, बाकी सब तो अजनबी है जो अब दोस्त बनेंगे। तुमने निक्की आंटी को झूठ बोला, मम्मा जी को झूठ बोला, कन्विंस उनको तूने किया था ना। झूठ मैंने नहीं, झूठ तो तूने बोला है। यार क्या करूं, हैं? बोल दूं क्या सच? हाँ? मेरे बच्चे? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, पर सूरी मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ना रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। पर तूने तो अपने हस्बैंड के साथ झूठ बोला है, तो बहुत गलत है और बहुत बड़ी बात भी है ना? मैंने सब पता है यार, लेकिन क्या है ना, हम सबको ना आदत हुई है हर चीज को सफेद और काले में देखने की। मैंने भी कौन सा अपनी खुशी के लिए झूठ बोला, और मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि किसी तरह इस झूठ को सच में बदल दूँ। लेकिन क्या करें, शादी का रिश्ता इतना आसान भी तो नहीं होता ना, तू तो समझती है। और फिर तू मुझसे ऐसे कह रही है जैसे तूने कभी राज भाई साहब से झूठ बोला ही ना। नहीं सूर्य, मैंने ना राज से कभी झूठ नहीं बोला है, कोई भी बात नहीं छुपाई, सच। क्योंकि झूठ पर ना रिश्ते नहीं टिकते।
क्यों बोला ये झूठ? मैंने जान के नहीं किया है, तूने फंसाया है मुझे। रिया, जो बात तुम्हें नहीं पता उसके बारे में क्यों टेंशन ले रही है? ना तूने सच बताएगी और ना मैं, पार्टी के बाद पार्टी में रह जाएगी, समझी? मैंने उससे कभी कुछ नहीं छुपाया है। काफी सारे लोग हैं, फिर तो नहीं रहेगा ना ये झूठ। फोन कहाँ है? गाड़ी में रखा था। अरे दीवार वाले आंटी, मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ आंटी, आपको पता है आज आपकी बेटी ने मुझे फिर से गिरा दिया। 3 बार गिरने पर तो फिल्मों में भी प्यार हो जाता। मॉम का ही फोन था। मेरी मॉम का फोन था। क्यों आया है, सब ठीक थे? एक मिनट, एक देखो, उठा लो प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले बता देना चाहिए। अच्छा तो तुम लोग झूठ बोलकर पार्टी में आए। मैंने पोल खोल दी, सॉरी। अब हैंडल कर, वैसे भी झूठ बोल के कभी किसी का भला नहीं हूं। बाय। कह रही हो ना, एक मिनट, फोन बिजी आ रहा है क्या? अब की कर रहा हूं? मर गए। प्रिया के साथ ना पार्टी में लड़के हैं सूरी, लड़के। प्रिया ने झूठ बोला हमसे, जा रही हूं रिया और जस्सी को लाने। रिया तुम कब तक छुपाओगे सिमरन आंटी से? तुम आज नहीं तो कल आंटी जी को सब बता ही दोगी ना? या ऑफ कोर्स, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती। तो प्रोसेस कंप्लीट करो, दिल हल्का कर दो, अपने हिस्से की डांट खा लो, दोनों तरफ शांति हो जाएगी, आंटी जी को चैन मिल जाएगा और तुम अपनी पार्टी एंजॉय कर लेना। सब बता दो आंटी जी को, ये लो। मुझसे नहीं होगा। सारी गलती मेरी है, मैंने रिया को छूट दे रखी है। पार्टी में लड़के हैं सूरी, लड़के। इसी लड़के ने मेरी रिया का फोन उठाया। कौन है ये लड़के सूरी? पार्टी में क्या कर रहे हैं? क्या क्या चल रहा होगा? निकी तू पागल ना बन। अरे बच्चों की पार्टी है, ऐसे धमक पड़ेंगे तो बच्चे शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे? तो हो जाने दे, क्या फर्क पड़ता है? इससे पहले कुछ और हो जाए मैं। निकी, कुछ और क्या होगा? निकी तो हमेशा इतना गलत क्यों सोचती है? हा? बच्चों को कोविड में डाला है क्योंकि उनका दम ही घोट देगी तू? तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे रिया की परवरिश कैसे करनी है? तू बताएगी मुझे? हाँ हाँ बताऊंगी। तू गलत करेगी ना तो बताऊंगी मैं। जब देखो तो डंडा लेके पीछे पड़ी रहती है रिया के,
अरे छोड़ उसे, जीने दे उसे, कम से कम उसे भी वो सब तो करने दे जो कभी तूने भी अपनी जवानी में किया है। जो बातें तू नहीं जानती ना उसमें टांग मत अड़ा, समझी तू? जानती हूँ मैं, हाँ सब जानती हूँ। क्या जानती है तू? यही, तुझे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है रिया पे, शक का बीज है तेरे दिमाग में। अरे बात भरोसे की नहीं है सूरी, मैं जानती हूँ बाहर की दुनिया कैसी होती है और मेरी बच्ची को कैसे बड़ा करना है, ये मेरी प्रॉब्लम है ना। तू जस्सी के बारे में सोच, उसकी परवरिश के बारे में सोच। मैं अपनी बच्ची को जैसे बड़ा करना चाहती हूँ वैसे करूंगी। मैं नहीं चाहती कि रिया वही करे जो मैंने कभी किया था। क्यों, क्यों नहीं? कोई गलती इतनी बड़ी और इतनी सीरियस नहीं हो सकती। अरे देख निकी, तू इतना स्ट्रिक्ट ना हो रहे रिया के साथ। मैं नहीं चाहती सूरी कि वो वही गलतियां करे जो मैंने की थी। मैं नहीं चाहती कि रिया किसी लड़के के प्यार में पड़े। जो मेरे साथ हुआ था ना, मैं नहीं चाहती कि रिया के साथ हो। किसी लड़के की वजह से रिया की जिंदगी बर्बाद हो ऐसा मैं नहीं चाहती। ऐसा नहीं होगा और ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ये बात तू अच्छी तरह से समझ ले। ये मेरी बेटी है, मैं देख लूंगी उसके साथ क्या करना है, समझी तू? कभी गुड़ बातों में घोलती, सारे सुख दुख देखे साथ साथ, ऐसा सौंधा रिश्ता है दोस्ती। रिया प्लीज फोन कर लो, रिया सॉरी बोल दो, बात खत्म, बता ना रिया। कोई बात खत्म नहीं होगी बेब, उल्टे पैर लौटने को बोलेगी मोमजी। मम्मा की डांट से सबसे पहले मैं ही घर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि लड़के हैं यहाँ। मैन हाउ ओल्ड स्कूल। बस बस उस वक्त ना तो तेरा दुपट्टा था ना तो तू थी सूरी। आई रियली मिस्ड यू यार। जो अपने होते वो बिछड़ भले ही जाए पर छोड़ के नहीं जाते। क्यों पुराने दुखों को अपने अंदर समेट के बैठी है? छोड़ ना यार, जिस गली जाना ही नहीं है उसमें क्या देखना है? कैसे ना देखूं सूरी, उस गली में अपना कुछ छोड़ के आई हूं, शायद खुद को। अरे ऐसा कौन सा धोखा मिला तुझे जिसकी वजह से तू अपनी रिया पे भरोसा नहीं करती? टूटी सी थी मैं यार, बिल्कुल रिया और जस्सी की तरह। तू जानती थी ना सूरी, मैं सब पर भरोसा करती थी, सब पर। भोलेपन में मैंने उस पर भरोसा कर दिया, इतनी भी नादानी ठीक नहीं होती यार, जिसकी भरपाई ना उम्र भर करनी पड़े। ओए, इतना भी बुरा कुछ नहीं होता जिंदगी में जिसकी भरपाई है ना उम्र भर करनी पड़े। हिम्मत नहीं थी यार सबसे लड़ने की। उस लड़के ने ना मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा दिल तोड़ा, मेरा विश्वास तोड़ा, सब कुछ टूट गया यार, और मेरे हाथों से ना सब कुछ छूट गया। चंगा
चंगा किता उसने। वो आवारा लड़का अगर तुझे छोड़ के नहीं जाता तो फिर राज जी तुझे कहां से मिलते? रिया जैसी प्यारी बच्ची, ये नई दुनिया कहां से मिलती तुझे? लेकिन निकी, ये जरूरी नहीं, जो गलतियां तूने की है ना वो रिया भी करेगी। क्या गारंटी है यार? ओए होए, अब लाइफ की वॉशिंग मशीन है कि गारंटी के साथ आएगी? देख ले, सभी गलतियां करते हैं, लेकिन तू अपनी गलती की सजा रिया को दे, ये गलत है। बच्ची सह नहीं पाएगी। हम माए ना लाख कोशिश कर ले पर अपने बच्चों को गलतियां करने से नहीं रोक सकते, जैसे हमारे माँ बाप नहीं रोक सके। जिंदगी जी जी के ही आती है ना। सबके दर्द से सही स्टेप लेने से पीछे नहीं हटते जी, प्लीज फोन कर दो। मोमजी की डांट अभी से प्ले हो रही है मेरे कानों में। रखना तू, हाँ फिर सामने से फोन किया और आग बबूला मत होना, वरना बच्ची डर जाएगी और फिर आगे से ना कभी कुछ नहीं बताएगी तुझे, तू समझ रही है ना? हैं? तो क्या करूं? नहीं डांटू उसे उसके डर की वजह से? क्या हाँ बोल रही है? अगर मैंने उसे नहीं डांटा ना तो रिया मेरी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। तू नहीं समझती रिया। रिया? नहीं आंटी जी, मैं जस्सी बोल रही हूँ। ओ जस्सी बेटा, एक मिनट, अपनी मम्मी से बात करो। ये नहीं आंटी जी, मुझे आपसे ही बात करनी है। मुझसे? हाँ बोलो बेटा। वैसे रिया कहाँ है? वहीं पर है ना? रिया ने मुझसे झूठ बोला। I just so knew it। कहाँ है रिया? आसपास ही, वो थोड़ा डर गई आपसे। अगर काम ऐसे करेगी तो डरेगी ना। जस्सी बेटा प्लीज मेरी रिया से बात करवा दो। हम आ ही रहे हैं घर पे। जस्सी मुझे रिया से बात करनी है, फोन स्पीकर पर डालो। जी। रिया सुन रही हो ना? जी मॉम जी। इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देती हूँ। आई जस्ट डोंट ट्रस्ट यू। तुमने मुझसे झूठ बोला और झूठ बोला तो बोला, जस्सी से फोन करवाया। तुम्हें क्या लगा कि तुम जस्सी से फोन करवाओगी और तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी बेटा, लेकिन पार्टी के बाद। मॉम जी? व्हाट मॉम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से जस्सी का फन खराब हो। ये जस्सी की पहली पार्टी है एंड आई वांटेड टू एंजॉय। जस्सी बेटा तुम सुन रही हो ना? हाँ जी। अब तुम्हें रिया के साथ रहना है, उस पर नजर रखनी है और 9:30 के पहले तुम दोनों को घर पहुंचना है, समझ गए? जी पक्का, प्रॉमिस आंटी जी। व्हाट आर यू सेइंग मॉम जी? देखो रिया, अब तुम पार्टी में पहुंच ही गए हो तो इट्स बेटर ना दैट यू एंजॉय, क्योंकि वैसे भी ये साल की आखिरी पार्टी है तुम्हारी। मॉम जी। नो मम्मा, टाइम पर घर पहुंच जाना 9:30, समझ गए? जी आंटी जी, थैंक यू। ओए निक्की है, क्या मौके पे चौका मारा तूने, है? आ गई तेरी बातों में। और सूरी, आप इस दुपट्टे को ना कहीं मत लेकर जाना प्लीज। शायद गलना बहुत हो गई रे आज के लिए, अब और मत पका मुझे सच्ची। कहीं नहीं जा रही ये दुपट्टे वाली, सब ले ली, दुपट्टा ले, शलवार कमीज, सब कुछ ले ले। सारे सुख दुख संग में भोगती है ये कैसा जज्बा दोस्ती। यारा सालों बाद मिले जाने कब के कितने राज खुले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्लिक
Click the show links and enjoy watching the videos.